नील डिंपल जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट का और जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उपराज्यपाल साहब से और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से यह गुहार लगाता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। आज तालाब तिल्लो वीएन अस्पताल को सील कर दिया गया, कोविड का केस वहां से मिला। विकास लेन, तालाब तिल्लो, गोलपुली और उस्ताद मोहल्ला में तेजी के साथ फैल रहा है। आज न्यू प्लॉट कृष्णा बिल्डिंग के पास भी एक कोरोना वायरस के कोरोना योद्धा को कोविड 19 कोरोना वायरस पाया गया। और कल ही जानीपुर पुलिस स्टेशन में सील करना पड़ा कोविड 19 की वजह से, क्वारंटाइन में रखा गया। उससे पहले हैदर कॉलोनी, लक्कड़ मंडी, सरवाल, गुड़ा बख्शी नगर और कई इलाकों में जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो अस्पताल हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों को देख रेख कर रहे हैं, जिसमें चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल और सेकेट्रिक अस्पताल में इलाज चल रहा है कोरोना वायरस का। इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से 24 घंटे सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, स्प्रे होनी चाहिए, लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई सरकार की तरफ से कोई सैनिटेशन का प्रोसेस नहीं चल रहा, सैनिटाइजेशन नहीं की जा रही, रैंडम टेस्टिंग नहीं की जा रही और यहां तक कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की भी कमी है। और साथ में मास्क नहीं बांटे जा रहे, सैनिटाइजर्स नहीं बांटे जा रहे। कोई भी कदम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया जा रहा। और लॉकडाउन में हमारा जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भुखमरी का भी शिकार हो गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, कमजोर गरीब स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए और साथ में 6-6 महीने का बिजली का किराया माफ होना चाहिए। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो किस्तें हैं बैंक्स की लोन्स की, उसका इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। यही गुजारिश मैं उपराज्यपाल साहब से कर रहा हूं कि मेरे जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कोविड